जो राज्य में एक परिवार का शासन चल रहा है, यानी अबुआ राज्य के नाम पर जो एक परिवार का शासन चल रहा, उसी के संदर्भ में आज की इस प्रेस वार्ता है। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। लेकिन झारखंड में विगत 27-28 महीनों से जो झारखंड में काम हो रहे हैं, उससे लोग, झारखंड की जनता, या हम देख रहे हैं, इससे लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में जनता का शासन नहीं बल्कि एक परिवार का शासन है। और लोग कहने लगे हैं यहाँ एक परिवार का, एक परिवार के द्वारा और एक परिवार के लिए शासन चल रहा है। विगत दिनों प्रेस के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके भ्राता श्री बसंत सोरेन जी ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही विभाग के द्वारा पत्थर का खनन अपने ले लिया, और माननीय विधायक बसंत सोरेन जी ने जिस प्रकार पकुड़िया में लीज का उल्लंघन कर और करोड़ों रुपया राज्य का राजस्व बकाया, झारखंड की हमारी जनता, खासकर हमारा आदिवासी समाज, इस उम्मीद से अबुआ राज के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर झारखंड की जनजाति समाज ने इनको सत्ता में बैठाने का काम किया। लेकिन इन 27-28 महीनों में जो सरकार की गतिविधियां, क्योंकि झारखंड हमारा राज्य का प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही धनी है, और किसी भी राज्य का प्राकृतिक और संस्कृति उसका विशिष्ट स्वभाव है। लेकिन आज झारखंड में प्राकृतिक और संस्कृति दोनों पर हमला हो रहा है, और जब राज्य की प्राकृतिक स्थिति बिगड़ती है तो राज्य का स्वभाव और संस्कृति बिगड़ती है। आए दिन आप सब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, जब से ये सरकार बनी है, इस राज्य में धर्मांतरण की खबरें आती रहती है। यह भी खबरें आ रही है कि आदिवासी युवतियों को लव जिहाद के तहत प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जा रही है, उनकी जमीन के साथ साथ उनकी जमीन छीनी जा रही है, और जमीन के साथ साथ आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। और इस लव जिहाद में लोहरदगा, रांची और सबसे ज्यादा प्रभावित संथाल परगना के जिले, जिसमें दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा आदि जिलों में बड़ी संख्या में लव जिहाद के माध्यम से हमारी भोली भाली आदिवासी बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुसलमान बनाने का काम भी जो कट्टरपंथी मुसलमान के द्वारा की जा रही है, और यही सिलसिला चलता रहे। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए और इस तरह की गतिविधि चलना,
ये बहुत ही दुखद है और राज्य के लिए चिंता का विषय है। ये किस तरह आदिवासी विरोधी सरकार है, दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम जोड़ा था ताकि रोजी रोजगार में सरना आदिवासियों का लाभ हमारे सरना आदिवासियों के बच्चे बच्चियों को मिल सके। लेकिन ये सरकार मिशनरियों के दबाव में इस वर्ष 24 फरवरी 2022 को हेमंत सरकार जी ने चुपचाप गुपचुप तरीके से इस फॉर्म से धर्म का कॉलम हटा दिया। इसका सीधा नुकसान सरना आदिवासी भाई बहन को होगा। अब जो भी सरकार की नियुक्तियां निकलेगी उस नौकरी में अधिकांश ये धर्मांतर आदिवासी को इसका लाभ मिलेगा। धर्मांतरित आदिवासी दोहरा लाभ ले रहे हैं और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जातिपन बनाने के समय धर्म का कॉलम जोड़ा गया, क्योंकि ये धर्मांतरित आदिवासी जिसे हम क्रिश्चियन कहते हैं वो अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं। अब ये धर्मांतरित आदिवासी क्रिश्चियन इधर आदिवासी का भी लाभ लेंगे और उधर अल्पसंख्यक का भी लाभ लेंगे और इसीलिए हमने धर्म कॉलम जोड़ा था ताकि हमारे सरना आदिवासी भाई बहन को के साथ अन्याय ना हो। लेकिन एक साजिश के तहत वोट बैंक तुष्टिकरण के तहत सरना आदिवासी के बच्चे बच्चियों के पेट में सरकार लाभ मार।